तो फ्रेंड्स ये है हमारा योगो स्मार्ट, जो देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा है। मैं इसका पूरा रिव्यू आपको बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। मैं बताऊँ दोस्तों, यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर गाड़ी में मैं बैठ गया हूँ और इसका यहाँ पर डिजिटल मीटर है। जैसे मैं यहाँ ऑन करता हूँ तो यहाँ पर जैसे मैंने ऑन किया यहाँ पर सायरन देने लगता है और यहाँ पर से आपको अनलॉक जैसे कीजिएगा ये ऑफ हो जाएगा। तो ये है इसका चाबी। तो ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन दिखने लगती है, यहाँ पर लाइट दिखने लगता है और यहाँ पर से आप अगर यहाँ पर देख सकते हो इस चाबी में ये हॉर्न बटन है। इसको ओके करने से ये आपको नोटिस देगी और यहाँ पर साइड में और एक कोई बटन है जो कि पता नहीं चल रहा है क्या है। और यहाँ पर लॉक और अनलॉक का भी बटन है, साथ में आप लॉक कर सकते हो अनलॉक कर सकते हो। ये है डिजिटल मीटर। यहाँ पर दो आईने हैं और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ रखने का सुविधा भी दिया हुआ है, यहाँ मोबाइल वोबाइल रख सकते हो। साथ में यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ है जिसके थ्रू आप कुछ रख सकते हो। साइड में भी इतना जगह है ताकि आप कोई कपड़ा उपड़ा रख सको। और मैं आपको बता रहा हूँ इसका पीछे किस टाइप का दिखता है, देख सकते हो। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, पीछे आपको इस टाइप का लुक दिखता है। और यहाँ पर एक स्टील का फ्रेम दिया हुआ है जिसके ऊपर एक डिक्की था जिसको मैंने खोल दिया है। ये डिक्की बहुत ही अच्छा है, आप सामान वामान ले जाने के काम में ला सकते हो। मैं बता दूं दोस्तों, इस गाड़ी का जो रनिंग है वो मैं बता दूं, आप 5-6 घंटा फुल चार्ज करने के बाद ये आप इसमें 60 से 80 किलोमीटर तक जा सकते हो। देख सकते हो ये दिखने में काफ़ी सुंदर है। और इसके बाद मैं आपको इसके कुछ फीचर्स दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर से आप डिक्की खोल सकते हो। यहाँ पर डिक्की खुल गया है, मैंने डिक्की को यहाँ पर ओपन कर दिया और डिक्की में आप देख सकते हो ये है गाड़ी का चार्जर। और ये गाड़ी का चार्जर आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है क्या, 16 वोल्ट 20 AH। और यहाँ पर कुछ कुछ रेटिंग्स लिखे हुए हैं। और पीछे चार्जर के पीछे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है, इनपुट 220 वोल्ट 50 हर्ज 260 हर्ज, आउटपुट 60 वोल्ट है, स्पेसिफिकेशन 3 एम्पियर लिखा हुआ है, रेड लाइट ऑन चार्जिंग, ग्रीन लाइट ऑन फुल चार्ज। जैसे ही आप फुल चार्ज हो जाएगा ये ग्रीन हो जाएगा, अन्यथा ये रेड रहेगा। यहाँ पर मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ और यहाँ पर से फिर मैं डिक्की को लॉक कर देता हूँ। ऐसा आप थोड़ा सा दबा दीजिएगा तो ये लॉक हो जाएगा। और चक्के भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रॉयल ग्रिप। और ये दोस्तों प्लास्टिक का है और ये जो है ये फाइबर का है फ्रेंड्स। और यहाँ पर एक दिया हुआ है पैर रखने के लिए जिसपे लिखा हुआ है टॉल्ग। और मैं बताऊँ दोस्तों, ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और इम्प्रेसिव लगी। देख सकते हो आगे का जो ये लाइट है, साइड में इंडिकेटर है, यहाँ पर देखिए योगो की ब्रांडिंग है, यहाँ पर भी दो लाइट दिए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों मैं इसका स्पीड टेस्ट आपको दिखाने वाला हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहे। और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ यहाँ पर दिखा दूँ। यहाँ पर आपको मिलेगा ये हॉर्न बटन है, जैसे ही आप ओके कीजिएगा इस टाइप का बजना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको अनलॉक कर दीजिएगा, जैसे अनलॉक कर दीजिएगा तो आपका ऑफ हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर ये हॉर्न है और यहाँ पर ये जो लाइट है, फिर ये सब के बारे आप डिटेल तो जानते ही हैं। और ये इंडिकेटर है, जब भी गाड़ी चलाते हो तो इंडिकेटर का ज़रूरत पड़ता है, तब ये यूज में आते हैं। और यहाँ पर आपको राइट साइड में मिलेंगे 1, 2, 3 गियर और साइड में यहाँ पर ये क्या बटन है, मुझे इसका अभी तक प्रयोग नहीं किया इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पीड टेस्ट और आपको दिखाएंगे कि स्पीड टेस्ट इस गाड़ी का कितना स्पीड है। तो ये मेरे दो भाई हैं, इन लोगों के साथ मैं अभी बाइक पे चढ़ूंगा और आपको स्पीड टेस्ट दिखाऊँगा। तो बाबू लोग थोड़ा इधर हाई कर दो सबको। तो अब लोग हम लोग यहाँ पर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और स्पीड टेस्ट करके आपको दिखाएंगे कि गाड़ी कितना स्पीड में भागती है। तो जैसे आप गाड़ी को ऑन करते हो यहाँ पर, तो इस टाइप का थोड़ा सा ये हॉर्न देता है, इसको आप अनलॉक कीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने दबा दिया, एक बटन है अनलॉक का, इस अनलॉक बटन को जैसे आप दबाते हो ये ऑफ हो जाता है। यहाँ पर 4 बटन है, सबका अलग अलग फीचर्स है। और यहाँ पर से हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपको स्पीड टेस्ट दिखाते हैं। यहाँ पर मैं अपने दोनों भाइयों के साथ हूँ और यहाँ पर आप जो लेफ्ट ब्रेक है, यहाँ पर लेफ्ट ब्रेक को लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ाइएगा, तब आपका गाड़ी बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा।
तो यहाँ पर मैं गाड़ी को साइड कर लेता हूँ और सीधे रोड पे निकलने वाला हूँ और यहाँ पर मैं बढ़ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ एक गियर पे हूँ, आप देख सकते हो एक गियर पे हूँ और इसको धीरे धीरे आप यहाँ पर से राइट में देखिए, तीन गियर है, इसको दो में कर देता हूँ या दो में आप मैक्सिमम जा सकते हो 40-45 तक। तो फ्रेंड्स मैं अभी इस गाड़ी की स्पीड में दिखाना चाहता हूँ आपको, थर्ड गियर में अभी ये गाड़ी है, आप देख सकते हो इसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी है, आप देख सकते हो यहाँ मीटर में। यहाँ मैं बताऊँ दोस्तों ये कभी कभी 60-61 तक चली जाती है, लेकिन मैं बता दूँ एवरेज स्पीड यहाँ पर फुल यहाँ जितना जो अभी यहाँ पर मैं थर्ड गियर पे हूँ और ये थर्ड गियर में देख सकते हो आप हाईएस्ट स्पीड 57-58 किलोमीटर पर आवर, कभी कभी ये 60 तक भी चली जाती है, लेकिन मैं बता दूँ मैक्सिमम इसकी एवरेज जो है वह 57-58 किलोमीटर पर आवर है। तो दोस्तों आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगेगी जरूर बताना। और देखिए दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ ये कच्ची रास्ते में जा रहा हूँ और आपको एक ट्रायल दिखा रहा हूँ कि छोटा सा चढ़ाई है इसको उठाने में ये सक्षम होता है कि नहीं, आप देख सकते हो आगे यहाँ पर जो चढ़ान है, चढ़ान को दिखाओ बाबू, चढ़ान में दिखाओ उधर, चढ़ान जो है देखिए यहाँ पर मैं चढ़ान, एक चढ़ाई है छोटा मोटा यहाँ नदी के सामने, यहाँ मैं चढ़ाने जा रहा हूँ। मैं अभी थर्ड गियर पे हूँ और ये चढ़ पाती है कि नहीं यहाँ पर टेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं चढ़ाई चढ़ा रहा हूँ, पूरा एक्सीलेटर फुल है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि ये चढ़ पाती है कि नहीं। बहुत स्लोली चढ़ रहा है और ये हम लोग तीन भाई हैं, छोटे मेरे दो भाई हैं, इन लोगों के साथ जा रहा हूँ और ये चढ़ाई चढ़ गई है बहुत ही धीरे धीरे। और मैं बता दूँ कि बैटरी की गाड़ी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही। और हम लोग फिर से निकल पड़े हैं रास्ते पे, अभी हम लोग रास्ते पे जा रहे हैं, अब घर पहुंच जाएंगे कुछ देर में। तो यहाँ पर मैं आया था वीडियो को शूट करने ताकि आपको दिखा सकूँ इस गाड़ी का फीचर्स क्या है, और इस गाड़ी का टोटल फीचर्स मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों हम मिलते हैं नई ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, तब तक जय हिंद जय झारखंड।